अभी अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि गौतम अडानी की परेशानियां एक खत्म नहीं होती कि दूसरी उनके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। इस बार बुलडोजर की आंच उनके घर तक पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जमीन खाली कर दो, नहीं तो जबरदस्ती जमीन खाली करवाई जाएगी, बुलडोजर फेरा जाएगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, गलत तरीके से परमिशन ली है। क्या है पूरी कहानी, वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज, मेरा नाम है धारण। एक कंपनी है केटीवी ऑयल मिल्स और अडानी ग्रुप का इसके साथ जॉइंट वेंचर है। तमिलनाडु में इन्होंने एक ऑयल मिल स्थापित की थी, एक पाइपलाइन बिछाई थी और एनजीटी से परमिशन नहीं ली गई थी, या फिर कहूं गलत तरीके से परमिशन ली गई थी। प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था और एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद लिया गया था। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लिया जाना चाहिए, एनजीटी से परमिशन ले ली जानी चाहिए, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, नियमों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए परमिशन ली गई और मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी जमीन खाली कर दीजिए जहां पर आपने पाइपलाइन बिछाई है, ऑयल टैंकर स्थापित किए हैं, नहीं तो हम जबरदस्ती, हां जी जबरदस्ती उस जमीन को खाली करवा लेंगे। असल में नियम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं कि जो भी ऑयल से या फिर रिफाइनरी से जुड़े हुए इक्विपमेंट है, फैक्ट्री है या फिर वेयरहाउस है, उनको कोस्ट लाइन से काफी दूर स्थापित करना है और एनजीटी से परमिशन लेके करना है कि आपकी फैक्ट्री या मिल किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है या फिर उन्हीं नियामक दरों के अंतर्गत है जो कि अनुमानित है, जो कि जिसकी परमिशन दी जाए। लेकिन अडानी ग्रुप ने और केटीवी ऑयल मिल्स ने ये परमिशन नहीं ली थी। ये कंपनी जो है केटीवी ऑयल मिल्स, वो केटीवी इंडस्ट्रीज और अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर है, इन्होंने परमिशन ढंग से नहीं ली और सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2022 को अडानी विल्मर को ये आदेश दिए थे कि 3 महीने के अंदर ये पूरा सेटअप आपको हटा लेना है, जमीन को खाली कर देना है। असल में ये जमीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है, एनजीटी के अंदर आती है। एनजीटी ने यह कहा था कि इसकी परमिशन ढंग से नहीं ली गई थी और इनकी फैक्ट्री, इनका ऑयल सेटअप जो है वो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, लेकिन इस सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और फैक्ट्री इस वक्त चल रही है। ये मामला 2017 का है, 2017 में ये पूरा सेटअप किया गया था, 2017 में ही इन सारे नियमों का उल्लंघन किया गया था। सुनवाई होते होते साल 2022 आ गया और साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, लेकिन सरकार क्यों अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, क्यों हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में आना पड़ता है, क्यों हर बार अडानी ग्रुप पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना लेने का आरोप लगता है, क्यों हमेशा हमेशा अडानी ग्रुप पर ही इस तरीके के आरोप लगते हैं। पहले भी अडानी ग्रुप पर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक का जो है प्रोजेक्ट मिला था कोरल रीफ पे माइनिंग करने का, तब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े आंदोलन हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे एनजीओज ने अडानी ग्रुप पर केस किए थे और नतीजतन अडानी ग्रुप को अपना वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा था, वो काम नहीं कर सके थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, तमिलनाडु में हाईवे के जस्ट पास में ये पूरा सेटअप लगाया गया और पूरी तरीके से नियमों को नजरअंदाज किया गया और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब उन्हें 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, सितंबर में दी गई थी डेडलाइन, महीना चल रहा है फरवरी का, और अगर गौतम अडानी इसको खाली नहीं करते हैं तो फिर तमिलनाडु की कोस्टल अथॉरिटी को यह आजादी है कि वे जबरदस्ती, हां जी जबरदस्ती इस पूरे सेटअप को हटवाएं, यानी कि उस पर बुलडोजर चलाएं। बुलडोजर राज के बारे में आपने सुना होगा, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या देश के तमाम राज्य जहां पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के घर तोड़े जाते हैं, अब वो बुलडोजर की आग देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के ऊपर आ गई है। जो लोग इस पूरे बुलडोजर राज पर तालियां बजा रहे थे, अब वो बुलडोजर राज को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। टीवी मीडिया बुलडोजर राज पर थपतियां कसेगा, टीवी मीडिया बुलडोजर राज को अराजक बताएगा, लेकिन वो उस बुलडोजर राज को तब अराजक नहीं बताता है जब गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जाती हैं, तब उसे अराजक नहीं बताता है जब लोगों को घर से बेघर कर दिया जाता है।
ये पहला किस्सा नहीं है जब गौतम अडानी और उनकी कंपनी को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया हो या फिर उनके हिसाब से नियमों में तब्दीली की गई हो। ये तो केवल एनजीटी का मामला है। आपको याद होगा जब गौतम अडानी को देश के 7 सबसे बड़े एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए दिए गए थे, तब भी गौतम अडानी के हिसाब से नियमों में फेरबदल किए गए थे। नियम ये हुआ करते थे कि किसी भी कंपनी को जिसको एयरपोर्ट मैनेज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती, तब भी गौतम अडानी को मिला। किसी भी कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए नहीं दिए जा सकते, तब भी गौतम अडानी को 7 एयरपोर्ट दे दिए गए और तब भी नियमों में फेरबदल किए गए थे। और अब भी नियमों में फेरबदल करके गौतम अडानी को यह ऑयल मिल स्थापित करने की परमिशन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे डिपार्टमेंट को जो है खरी खोटी सुनाते हुए यह कहा है कि क्यों गौतम अडानी को हमेशा स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, क्यों सिर्फ गौतम अडानी के लिए ही नियमों में फेरबदल किए जाते हैं, ऐसा क्या खास है गौतम अडानी में कि उनके लिए सारे नियम अलग हो जाते हैं, उनके लिए सारा प्रिविलेज अलग हो जाता है। पूरे देश के उद्योगपति एक तरफ और गौतम अडानी एक तरफ, क्या इन सभी बातों पर सवाल नहीं किए जाने चाहिए? क्या इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? व्यापार करना अच्छी बात है, व्यापार से पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी में पैसा पहुंचता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसकी कीमत एनवायरनमेंट से चुकाई जानी चाहिए? क्या उनके लिए एनवायरनमेंट से जुड़े हुए नियम अलग होने चाहिए? अगर आप पैसा भी जनरेट कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान आप भविष्य तक के लिए कर रहे हैं। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं जिसका असर एनवायरनमेंट के ऊपर होता है, और एनवायरनमेंट ना आपका है ना हमारा है, इस पूरे विश्व का एनवायरनमेंट सभी के लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए सहेजा जाना चाहिए। लेकिन एनजीटी इस पर आरोप लगाता है कि गौतम अडानी नियमों का पालन नहीं करते हैं, गौतम अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई होती है तो गौतम अडानी अड़ जाते हैं कि हम जमीन खाली नहीं करेंगे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सितंबर में यह आदेश आया था, फरवरी चल रहा है। हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि गौतम अडानी ने अभी तक अपनी ये फैक्ट्री वहां से हटाई नहीं है, अपने ऑयल पाइपलाइंस वहां से हटाए नहीं है, जबकि जबरदस्ती राज्य सरकार को ये हटाने का ऑर्डर दिया गया है। क्या जबरदस्ती करना मजबूरी बन गई है? क्या गौतम अडानी इतने मनमाने हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुन रहे हैं? इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। क्या गौतम अडानी पूरा देश हो गए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? गौतम अडानी पहले भी ये कह चुके हैं कि ये हम पर हमला नहीं है, हमारी कंपनी पर हमला नहीं है, ये देश के ऊपर हमला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। गौतम अडानी की एक समस्या खत्म नहीं हो रही कि दूसरी समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है। आपके इस पूरी खबर के बारे में विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरीके की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं HNP न्यूज, मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।